नागपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं मुंबई के विटी स्टेशन में दोस्तों, और यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और। डिगपू न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम जमीनी हकीकत। इसमें अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी जी को। सर आप? मोदी जी ऑब्वियसली। 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई? 100% नरेंद्र भाई मोदी जी, बिल्कुल। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? देखना ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ऐसा हो जो देश के लिए कुछ करे। आज देश की हालत क्या है, पूरा समाज जो है जातिवाद में बढ़ गया है, तो हम ये जातिवाद नहीं चाहते। हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। आज जो समाज में विचारधारा पनप रही है, ये विचारधारा के हम खिलाफ है। आज हमारा भारत जो है, मेरा वहाँ 400 वकील हिंदू है, 100 वकील मुस्लिम है, उसके अभी प्रेसिडेंट बना, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम ना हो और प्रधानमंत्री ऐसा हो जो सबके लिए काम करे। मोदी जी को चाहिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप देश के प्रति आपकी जो भावना है अच्छी हो सकती है, लेकिन आज जो देश बिक रहा है वो नहीं होना चाहिए। आपने LIC बेच दी, आपने पोर्ट बेच दिए, आपने रेलवे बेच दिए, तो ये जो संस्थाएं कांग्रेस ने निर्माण की थी, ये पब्लिक की सुविधा के लिए निर्माण की थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, आप उसको बेच रहे हैं। मतलब पब्लिक के जेब से पैसा जाना है, तो इससे क्या हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, जनता इससे फायदे में नहीं है। आज महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए कुछ करे। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा हो जो देश के लिए कुछ करे, बेरोजगारी समस्या हल करे, महंगाई हल करे। महंगाई आज कहाँ पहुँच गई है आप देखो, तो पॉलिसी जो है इस सरकार की फेल है। सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जो जनता को राहत मिले। जनता को आज कोई राहत नहीं है, जनता जो है सरकार से खुश नहीं है। 2024 में किसको अगला प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? एज ए विश जो भी आएगा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि कोई सब अच्छे हैं, पर अभी करंट एज अ मोदी दैट्स बेटर। या थैंक यू। मोदी जी वे अच्छे उनका सब अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज वेरी पर्सन। नरेंद्र मोदी सही। 2024 में किसको अगला प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? राहुल गांधी जी को, क्योंकि जब भी राहुल गांधी थे तभी महंगाई का रेट काफ़ी कम था, गैस काफ़ी सस्ते थे। अभी देखा जाए तो गैस काफ़ी महंगा हो गया। अच्छे दिन आए हैं, लेकिन वो अमीरों के अच्छे दिन आए हैं, गरीबों के अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है। गरीबों के अच्छे दिन सिर्फ कांग्रेस ही ला सकता है। देश को सबने लूटा, हर पार्टी ने देश को लूटा, लेकिन जो लूटने का ग्रोथ था ना वो कांग्रेस में कम था, जो BJP में आके काफ़ी बढ़ गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी पार्टी ने देश को नहीं लूटा, सब पार्टी ने देश को लूटा, लेकिन जब से मोदी जी आए तब से वो जो रेट था ना लूटने वाला वो बढ़ गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया है, महंगाई का रेट बढ़ गया है, और लूटने का भी रेट बढ़ गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि फिर से कांग्रेस आए, सारे रेट स्लो डाउन हुए। अभी जैसे पेट्रोल कभी नीचे आने वाला नहीं है, अब मोदी जी ने उस मुकाम तक ला दिया है पेट्रोल को कि अभी उसको कोई भी नीचे नहीं ला सकता, कोई भी सरकार नीचे नहीं ला सकती। भले ही कितना भी सस्ता में मिले तो भी पेट्रोल फिर से कम नहीं हो सकता। अभी 2024 में हमें मोदी जी नहीं चाहिए, PM नए PM कोई ना कोई चाहिए, दूसरे चाहिए जो देश को बदले, जो अपने ओन स्ट्रैटर्जी पे काम करे, ना कि किसी ने बताए हुए स्ट्रैटर्जी पे काम करे, ना कि किसी IAS ऑफिसर ने दिया हुआ स्पीच पे बात करे, ऐसे बात करे कि खुद लिखा हो, और ऐसे बात करे कि जो उनके मन में हो। ऐसा नहीं कि वो स्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे हैं। ऐसा हमें नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो खुद का करे, जो खुद के पिछला उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, जो पढ़े लिखे हो, जो पढ़े लिखे पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हो। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस काफ़ी पढ़े लिखे, ओके, पॉलिटिकल पार्टी जिस जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे है वो कांग्रेस पार्टी है, ओके। अब दूसरे पार्टी में देखोगे वहाँ भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे फाइनेंस मिनिस्टर से अभी कुछ संभाला नहीं जा रहा है, ओके। वो बजट रिलीज़ कर रहे हैं, 2014 में जो बजट आया था उस बजट से अभी तक का, अभी जो बजट रिलीज़ किया उसमें 1000 करोड़ कुछ तो कम दिया गया है, बजट रिलीज़ किया गया है, तो वो 1000 करोड़ कहाँ गए उसका भी हमें पता लेना चाहिए। तो वो कुछ बात कर रहे ही नहीं है,
उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है, सिर्फ ये बजट रिलीज़ कर रहे हैं, 7 लाख से टैक्स रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन किस बात पे वो भी साफ करके बता रहे नहीं है। सिर्फ इतना बता रहे कि 7 लाख के बाद टैक्स लगेगा, 7 लाख तक नहीं, लेकिन वो पुराना वाला जो था और नया वाला था उसमें भी डिफ्रेंशिएट बताना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए, नहीं तो भाई हम पब्लिक जाएगा 7 लाख कमाएगा फिर टैक्स मारेगा, पब्लिक बोलेगा अरे 7 लाख तक टैक्स नहीं था, तो उसमें भी जो रिडम्पशन है जो कुछ है वो क्लियर करे। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विवेक चक्रनारायण। मुंबई से? जी मैं मुंबई से बॉर्न एंड ब्रॉड फ्रॉम मुंबई हूँ। कोई दूसरी सरकार आना चाहिए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी। सर आप किसको देखना चाहेंगे 2024 में? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी। राहुल गांधी। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी क्यों देखना चाहेंगे? भाजपा का सरकार या अभी ठीक ठाक नहीं, लोगों को तकलीफ दे रहा, इसलिए वो सरकार चलेगा उसका। लगता है राहुल गांधी आएगा तो कुछ बदलाव आएगा देश में, नरेंद्र मोदी से सब परेशान हो चुका है। मुझे लगता है राहुल गांधी रहेगा तो कुछ सुधार होगा देश में, बस इसीलिए। भाई मेरा भी वही फेवरेट है राहुल गांधी, क्योंकि मोदी ने तो इतना महंगाई बढ़ा दिया है कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें, बदलाव चाहिए। क्या कुछ है ही नहीं इधर, क्या हर एक चीज़ को प्राइवेट बना दिया है, सबको बेच डाला, क्या प्राइवेट है ना, तो कुछ देश में अभी रोज़गार मिल रहा है, हमारे इधर कुछ रोज़गार ही नहीं है, क्या करें, बदलाव चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप किसको देखना चाहोगे? बस वही राहुल गांधी। बस देखना चाहेंगे आप? बस वो अभी जैसे ये महंगाई बढ़ाई है मोदी ने इतना, इसके लिए हम लोग का रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, दूर दूर से आके काम करना पड़ रहा है, हम लोग के इधर रोजगार नहीं है इसके लिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, देखते हैं कितना प्रोग्रेशन होता है, उसके बाद उस हिसाब से विल डिसाइड। वैसे भी जनता का है तो जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे। मतलब दोनों तो वही है आजकल, पॉलिटिशियन तो सेम ही है, वो आएंगे तो अपना बोलेंगे, आएंगे तो अपना बोलेंगे। तीसरा आना चाहिए? हाँ ऐसा तो मुझे लगता है तीसरा कोई आना ही चाहिए। मतलब ये बताओ 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? राहुल गांधी, नरेंद्र गांधी। राहुल गांधी को देखना चाहते हो? ऐसे ही बस पसंद है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई? हमारा पीएम नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी को जी। राहुल गांधी हमारे, मतलब मोदी ने जो ये युवाओं के साथ ऐसा किया है ना खिलवाड़, जैसे 4 साल का अग्निवीर, ये हम देखना नहीं चाहते, इसलिए हम राहुल गांधी को सुनना चाहते। आप सर? मेरा भी राहुल गांधी को सर, क्योंकि वो आम जनता के साथ अभी जो भार जोड़ो यात्रा है इतना बड़ा, उन्होंने पूरे देश में जो लोगों का, जो आम जनता है, जो किसान वर्ग है, उनके साथ समय बिताया, और उन्होंने जो ऑन ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज़ का उन्होंने एहसास हुआ है, और निसंदेह अगर वो सरकार, कांग्रेस सरकार आती है तो मुझे लगता है कि कुछ नया होगा हमारे देश में। आपका शुभ नाम? माय नेम इज लक्ष्मण। सर आपका शुभ नाम? वीरेंद्र। बहुत शुक्रिया आप लोग का। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? कोई और। तीसरा कोई और? जी कोई और, कोई और। 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी। आई थिंक केजरीवाल। क्या लगता है केजरीवाल के आने से देश में बदलाव आएगा? सर पहली बात तो वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जितना मुझे मालूम है, पूरा नॉलेज नहीं है लेकिन वो पढ़ा लिखा है, और जो हिसाब से वो रन कर रहा है दिल्ली में, तो आई थिंक केजरीवाल आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? केजरीवाल। हाँ अरविंद केजरीवाल। हाँ अरविंद, क्या बात है सर। भाई साहब आप भी सेम केजरीवाल? केजरीवाल। फिर से नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगे हम लोग? अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ मैं प्रभावित हूँ उनके काम से, और मोदी जी के डिसीजंस मतलब ठीक हैं, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर की अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा इस बारे में। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? मोदी के सिवा दूसरा कोई भी बन नहीं सकता है, मोदी जी ही 2024 में पंत प्रधान बनेंगे, और सरकार भी बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव है, और मोदी जी ही पूरा स्वर्ण महोत्सव भी बनाने तक रहेंगे, यही हमारी इच्छा है। भगवान से प्रार्थना करूँगा, मुंबई वासियों से, पूरे भारत देशवासियों से, सबको बोल रहा हूँ, ये मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि मोदी जी ही पंतप्रधान बनेंगे, और बनना ही चाहिए, उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है, कोई सोचना भी नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहूँगी, उनका जैसा जो व्यक्तिमत्व है वैसा उनके उनसे ज़्यादा कोई भी इतना नहीं है कैपेबल जितना वो कर सकते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए और वही सबसे अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से भी सेम है, नरेंद्र मोदी जी। अभी जो हमारा निकला है सब जो टैक्सेस का, उन्होंने हम लोग को बताया कि 4% 4 लाख पे कम होगा, तो वो सब अच्छा हो रहा है। इवन गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो अच्छे से हो रहा है सबके लिए, तो वो वही आना चाहिए ऐसे। थैंक यू। जो ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं डिप्टी न्यूज़ के माध्यम से, ये है सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे लोग आते हैं, सेल्फी खींचते हैं। ये वीटी स्टेशन है, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसे कहा जाता है। यहाँ से हम लोगों को और जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी। आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को देखना चाहेंगे जी। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? हाँ, मोदी साहब ने किया है, लेकिन वो जब से आए तो उसके से कास्ट बहुत बढ़ गए, वो एक समाज की तरफ ज़्यादा गौर दे रहे हैं, उसके से चेंजेस चाहिए अभी। देश का अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहोगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी। आप किसको देखना चाहेंगे भाई? उसी को। किसको? राहुल गांधी। 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को। क्या लगता है मोदी जी तीसरी बार आएंगे? आएंगे, 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जो बोल रहा है उसको बुलाओ साइड में। और किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को देखना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखना चाहेंगे सर? अभी थोड़ा टाइम हो गया ना मोदी जी को, जी। थोड़ा चेंज होना चाहिए ना। चेंज जी। आप किसको देखोगे अम्मा जी? भाई हम कांग्रेस ही शुरू से हैं। भाई साहब, आप किसको देखना चाहेंगे? वही राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी क्यों देखना चाहते हैं? वही अभी थोड़ा सा युवा है, फिर ये नया नया, उसका भी चांस मिलना चाहिए, चेंज आना चाहिए। हम भी जी, हम भी राहुल गांधी की जी। क्या लगता है राहुल गांधी के आने से देश में बदलाव आएगा? जी कुछ तो आएगा ही। अब जैसे जैसे अब मोदी के पहले देखा, तब कुछ राहुल गांधी को भी देख लिया जाए। देख लिया जाए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी एक अच्छा नेता है, सबकी पोल खुलता है। क्या लगता है राहुल गांधी के आने से देश में बदलाव आएगा? जी आएगा, बदलाव आएगा। महंगाई कम होगी? जी होगी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि उनके टाइम पे जरा महंगाई कम थी, बाद में मतलब उनके पहले पिताजी थे जब। हाँ हाँ, आपको लगता है राहुल गांधी के आने से महंगाई कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस आए, दूसरी कोई पार्टी आएगी तो अच्छा होगा। बीजेपी बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ देती है, थोड़ा चेंजिंग चाहिए। अभी 10 साल से उनको झेल रही है, तो कोई नया भी होना चाहिए। कोई नई पार्टी आती है तो बहुत अच्छा काम करेगी, वो उत्साह से काम करेगा। अभी ये बीजेपी को हम देख रहे हैं, सालों से वही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। आप क्यों देखना चाहेंगे सर? राहुल गांधी बेस्ट। क्यों क्यों देखना चाहेंगे राहुल? राहुल गांधी अपना हमेशा से बेस्ट है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी चाहिए सर हमको। मोदी जी, हमको हमको कोई भी नहीं चाहिए। इनको कोई भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे वीटी स्टेशन के बाहर ये जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं, लोग आते हैं दूर दराज से यहाँ पर। और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और। तो इन्होंने जो अपनी राय रखी, अपनी प्रतिक्रिया रखी कि आखिर कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। कैमरामैन वसीम खान के साथ मैं आयाज अहमद खान, अगली रिपोर्ट के लिए देखते रहिए डिप्टी न्यूज़। Hey, if you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.